डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक दूसरा थ्योरम लिए हैं जिसका नाम है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन इट्स थर्ड साइड। ठीक है, ये हमारा उसी से रिलेटेड है। इसके पहले जो हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम, ठीक है, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो उसी का समझिए एक निकला हुआ एक थ्योरम है। तो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन इट्स थर्ड साइड। तो हमने यहाँ पे देखे एक ट्रायंगल ABC बना लिया। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मान लिया कि अगर AC हमारा कोई पॉइंट है, AC एक साइड है, उसमें एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, D ले लिया। ठीक, एक पॉइंट D ले लिया और D इस तरीके से लिया पॉइंट कि यहाँ से अगर हमने जो AD है ना, AD लेंथ जो हमारी होगी वो AB के बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे कि AD लेंथ किसके बराबर है, AD के बराबर। हमने यहाँ से B को D से ज्वाइन कर दिया। ठीक, तब यहाँ पे देखिए जो कंस्ट्रक्शन हमारा निकल गया है, कंस्ट्रक्शन हमने इस तरीके से लिया कि अगर AC को हमने ग्रेटर मान लिया, AC ग्रेटर देन AB, ठीक है, AC को हमने AB से ग्रेटर मान लिया, तो AC पे हमने D एक पॉइंट ऐसा सेलेक्ट किया कि इफ लेट AC ग्रेटर देन AB देन D इज द पॉइंट। ठीक है, सच दैट AB इज इक्वल टू AD, ऐसा होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करेंगे कि जो AD लेंथ हमारी मिल रही है, जो AD है वो AB के बराबर हो। जब AD AB के बराबर होगा तो यहाँ से इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 2 नाम दे देते हैं। ठीक, और इसको हमने दे दिया 3 नाम दे दिया, इसको दे दिया गया 4। क्लियर, इतनी बात आपको इस फिगर से समझ में आ जानी चाहिए। अब हम करेंगे क्या, ये तो आपने जान लिया एक हमारा ट्रेंगल ABC है, ABC में AC लाइन आपकी AC साइड जो है AB से बड़ी है, और AC पे ही हमने एक D ऐसा पॉइंट लिया कि वो जो D पॉइंट है, D को हमने B से भी मिला दिया। तो इस तरीके से ABD एक ट्रेंगल बन गया और उसमें क्या है, AB और AD आपस में बराबर है। ये था वो कंस्ट्रक्शन। और हमें दिखाना क्या है, हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ कर रहे हैं, आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई भी दो साइड का डिफरेंस, जैसे हमने सपोज किया यही ले लिया कि AC बड़ी है, तो AC माइनस AB जो लेस देन होगा वो क्या होना चाहिए, BC होना चाहिए। सपोज कर हमने यही एक कंडीशन ले लिया, कोई भी 3 कंडीशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप जिसको माइनस में से करेंगे वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए साइड। जैसे हमने यहाँ पे देखो AC माइनस AB लिया, तो AC माइनस AB ग्रेटर देन क्या हो, लेस देन क्या हो, BC। वैसे वो भी चले जाए, क्योंकि अगर निगेटिव में आएगा फिर भी BC से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, AC माइनस AB लेस देन BC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब देखिए इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। प्रूफ जब हम करेंगे तो प्रूफ में हमारे पास क्या आएगा, नाउ इन ट्रायंगल ABD, ABD में हमें क्या मिल गया, सिंस AB इज इक्वल टू क्या है, AD है, AB और AD आपस में बराबर है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2 हो जाएगा। ठीक, एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो अब हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो हमारे सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल के आ जाएंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होती है, आप सभी को पता होगा, है ना। अब उसका यूज यहाँ पे किस तरीके से करते हैं उसको आप देखिए। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ट्रायंगल ABD है, हमारे पास ट्रायंगल ABD है, ABD में अगर आपने क्या किया कि AD को प्रोड्यूस किया, AD को प्रोड्यूस किए, तो हमारे पास क्या है, एंगल 3 आया। क्लियर, तो एंगल जो 3 है, एंगल 3 का एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, AD को प्रोड्यूस किया, तो AD को प्रोड्यूस करते थे जो बाहर एंगल बनता है, यही क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। तो एंगल 3 जो है ये आपका 1 और एंगल
इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल थ्री जो होगा हर कंडीशन में वन से भी और ए से भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एंगल थ्री इज इक्वल टू हमारा क्या है, एंगल वन प्लस एंगल ए है। तो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है, इससे इम्प्लाई ये हो रहा है कि एंगल थ्री डेफिनेटली ग्रेटर देन एंगल वन। तो ए कंडीशन तो हमें मिल गई, क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम एंगल है भाई, एक्सट्रीम प्रॉपर्टी से ये कंडीशन पता है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल थ्री जो है इससे बड़ा होगा। चूँकि एंगल वन और एंगल टू को हमने बराबर यहाँ पर दिखा दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि एंगल थ्री ग्रेटर देन एंगल टू, ठीक है। इसको हमने एक इनक्वालिटी फर्स्ट मान लिया, एंगल थ्री ग्रेटर देन एंगल टू, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इनक्वालिटी फर्स्ट हो गया। अब इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे कहीं। अब देखो हम दूसरा ट्रेंगल लेते हैं, कौन सा ट्रेंगल, बी सी डी। ये देखो बी सी डी, बी सी डी में आप ये देख पा रहे हो कि आपने क्या किया कि सी डी को प्रोड्यूस किया गया। आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, सी डी को प्रोड्यूस किया ऐसा, ठीक। सी डी को जब प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे एंगल क्या बना, एंगल टू यहाँ बन गया है ना। तो पहला हमारा कंडीशंस क्या हो गया था, पहली कंडीशन हमने यहाँ पे देख लिया कि एंगल थ्री जो है, एंगल थ्री ग्रेटर देन एंगल टू इक्वल टू फर्स्ट थी। सेकंड में अगर हम बी सी डी में बात करें, बी सी डी में आप फिगर में ध्यान से देखें तो वहाँ पे एंगल टू अब क्या है, एक्सट्रीम एंगल है। तो एंगल टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल फोर प्लस एंगल सी। अब इससे क्या निकल के आ रहा है, इससे ये निकल के आ रहा है कि एंगल टू जो होगा, ठीक है, एंगल टू ग्रेटर देन एंगल फोर, एंगल टू ग्रेटर देन एंगल फोर इतना होगा। इसको इक्वलिटी हमने क्या मान लिया, सेकेंड मान लिया, ठीक। अब अगर पहले और दूसरे से हम देखें या पहले दूसरे को ऐड करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एंगल थ्री क्या मिल जाएगा, एंगल थ्री प्लस एंगल टू ग्रेटर देन एंगल टू प्लस एंगल फोर। देखिए अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन सेम साइड है, इसलिए हम आसानी से इधर की इधर साइड को ऐड कर लिए, इधर की इधर साइड को ऐड कर दिए। दोनों तरफ टू टू आपको दिख रहा है, कैंसिल हो गया, तो एंगल थ्री ग्रेटर देन एंगल फोर हो गया है ना, एंगल थ्री ग्रेटर देन एंगल फोर। तो यहाँ से देखिए आपको ए कंडीशन मिल गई, एंगल थ्री जो है एंगल फोर के क्या है, ग्रेटर है। तो आप उस पर्टिकुलर ट्रायंगल में आ जाइए जिसमें एंगल थ्री और एंगल फोर है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ट्रायंगल बी सी डी में ये एंगल थ्री है, ये आपका क्या है, एंगल थ्री है और ये एंगल फोर। एंगल थ्री के सामने कौन सी साइड है, बी सी। एंगल फोर के सामने कौन सी साइड है, सी डी। इसका मतलब एंगल थ्री ग्रेटर देन एंगल फोर अगर है, एंगल थ्री ग्रेटर देन एंगल फोर है, तो एंगल थ्री के सामने की साइड बड़ी होगी एंगल फोर के सामने की साइड से, क्योंकि हमने अभी इसके पहले प्रॉपर्टी को देखा हुआ कि ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। टू ग्रेटर एंगल अपोजिट टू द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इस प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बी सी है, ओके, बी सी ग्रेटर देन सी डी, दिस इम्प्लाइज बी सी ग्रेटर देन सी डी, क्लियर। अब देखो बी सी जो है हमारा, उसको वैसे ही रहने देते हैं या इसी को ऐसे लिख देखो आगे कि सी डी लेस देन बी सी। सी डी जो है बी सी से क्या है, छोटा है। अब फिगर में आप ध्यान से देखिए कि सी डी आ कैसे रहा है, यहाँ पे देखिए सी डी आपको कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए। सी डी आपका ए सी में से अगर आप ए डी निकालेंगे, ए सी आपके यहाँ से यहाँ तक है, ए सी माइनस ए डी करेंगे तो सी डी आ जाएगा, ओके। ए सी माइनस, यहाँ पे देखिए कि ए सी माइनस ए डी कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सी डी मिल रहा है। तो ए सी माइनस सी डी, ए सी माइनस ए डी का सी डी हो गया, एंड सी डी लेस देन क्या है हमारा, बी सी है। और चूंकि हमने यहाँ पे भी क्या देखा कि ए डी ए बी के बराबर है, बट ए डी बराबर क्या है, ए बी।
तो अगर इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ए सी माइनस ए बी लेस देन बी सी। अब देख लीजिए, ये हमें प्रूव भी करना था। हमें क्या प्रूव करना था, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज़ लेस देन थर्ड साइड, और हमने इस कंडीशन को प्रूव करना चाहा था, तो इस तरीके से हो गया। सिमिलरली बाकी दोनों कंडीशन को भी हम प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे हम इसको करेंगे। आप इसको एक बार दो बार ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे हो रहा है, फिर इसको अपने से करिए। ओके, थैंक यू।